मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू अंजलि ब्यूटीफुल स्काई। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा बबक नहीं करूं तो आप सब लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, आई होप आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यस गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट की। एक ट्रेवल स्टीमर है, ये आयरन करता है आपके कपड़ों को, रूम में से रिंकल्स को दूर करके आपको एक परफेक्ट क्लोथ देता है। और टोबी कुछ भी कह सकते हो आप, आई डोंट नो, वो ब्रांड है इसका, TOBI टोबी ब्रांड। तो कैसे काम करता है आपके कपड़ों पे और क्या रियली आपके कपड़ों से रिंकल्स को दूर करता है, वो सारा मैं अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगी। तो पहले हम इसके अंदर से जो ये प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं। तो मैंने जब ये परचेज किया था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि क्या ये रियली में अच्छी तरीके से आयरन करेगा, किस तरह से इसको यू नो हमें यूज करना है, और ये साथ में जो अटैचमेंट है वो कैसे इसमें अटैच करने हैं, और किस तरह से अपने कपड़ों को आयरन करना है। तो मुझे लगा डेफिनेटली मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, सो दैट कि अगर इसको लेकर, इस स्टीमर को लेकर आपके मन में भी कुछ डाउट हो और आप इसे लेने के बारे में सोच रहे हो तो मे बी वो मेरे इस वीडियो से क्लियर हो पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कपड़ों पर स्टीम करता है और आपके कपड़ों से रिंकल्स को दूर करता है। तो गाइस, इसके साथ में इस तरह की का ये स्टीमर है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अटैच है ये कवर। ये इसलिए बेसिकली जब आपको स्टीम नहीं करना है, वेट करना है, आप अपने कपड़े को सेट कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से रख देंगे तो ये सेफ है। और एक ऐसा ब्रश अटैचमेंट दिया हुआ है, एक बुकलेट है इसमें सारी डिटेल दी है कि आपको कैसे इसे यूज करना है, और एक वाटर मेजर करने के लिए किस तरह का बॉक्स दिया हुआ है। तो मैं इसमें पानी भर के ले आई हूँ क्योंकि स्टीमर है तो पानी तो इसमें डालना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। ओके, तो ये जो यहाँ पर इसमें ब्रश दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे अटैच कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहे तो आप, जरूरी भी नहीं है। ये बेसिकली इसलिए है कि जब आप कपड़ों को आयरन करेंगे, आप अपने कपड़ों को स्टीम करेंगे तो साथ साथ ही आपके कपड़ों को ब्रश भी करता रहेगा साथ में, जो सो देट कि और अच्छे से आपके कपड़े स्टीम हो जाए। तो चलिए मैं इसे लगा के दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको ये वाला अटैचमेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत ईजी है निकालना और इसको लगाना वापस। इस तरह से मैंने ब्रश इसमें लगाया और जस्ट हल्का सा पुश किया तो इसमें ब्रश लग गया। पहले मैं आपको ब्रश के साथ करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको विदाउट ब्रश करके दिखाऊंगी। तो इस स्विच ऑन करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे और आप देख सकते हैं इसमें से धुआं आने लगा है। तो गाइस, कुछ इस तरह की डेडिकेटेड सी ड्रेसेस होती हैं जिसपे नॉर्मल आयरन करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसकी वजह से इनका जो वर्क है वो खराब हो सकता है, तो उस चीज के लिए ये स्टीमर बेस्ट है। कैसे काम करता है मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें जैसा कि मेंशन भी है इसके मैनुअल में कि आपको 2 सेकेंड तक वेट करना है, उसके बाद एक यहां से इसने जो बटन दिया है इसको पुश करना है तो स्टीम बाहर आएगी, उसके बाद फिर 2 सेकेंड के लिए वेट करना है और फिर पुश करना है। दैट मीन्स कि स्टीम अंदर बने उसके लिए आपको हर बार 2-2 सेकेंड का वेट करना है। तो कैसे करना है, ये ब्रश वाला मैंने अभी यूज कर रही हूं, तो मैंने किया तो स्टीम बाहर आई, फिर मैं 1-2 सेकेंड वेट किया, देन अगेन पुश, वन टू इस तरीके से आपको पुश करना है। आपको ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे पुश नहीं करना है क्योंकि स्टीम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको 2 सेकेंड दीजिए सो दैट कि फिर से स्टीम बने। देखिए कैसे स्टीम आ रही है बाहर, मैं प्रेस करके दिखाती हूँ, ये स्टीम बाहर आई, देन अगेन वेट फॉर 2 सेकेंड, 1-2। ओके, तो यहां पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टीम कर रही है कि नहीं, मैं इसके स्लीव्स में दिखाती हूँ, आप स्लीव्स पे देख सकते हैं थोड़े से रिंकल्स है, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ थोड़ा सा कैमरा। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे स्लीव्स में दिखाती हूँ
आयरन करके, तो आप देख सकते हैं कि स्लीव्स में थोड़े से रिंकल्स आपको दिख रहे होंगे। देखते हैं कि इस स्टीमर से ये दूर होते हैं कि नहीं। आउच, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, केयरफुल आप ऐसे हाथ में पकड़ के मत करिए। मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतनी जोर की स्टीम आएगी इसमें से, तो आपको ये कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़िए आप टाइट करके ऊपर से, एंड देन ब्रश के साथ। तो देखिए गाइस, इसके रिंकल्स गायब हो गए यहाँ से। तो इस तरीके का अगर जो कोई वर्क है तो आप उसको इस तरह से हैंग करके स्टीम दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको प्लेन सरफेस पे बिछा के भी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिंकल्स है उसको थोड़ा सा टाइट करके कपड़े को स्टीम देने की ज़रूरत है, तो आप उसको जैसे हम नॉर्मल तरीके से आयरन करते हैं ना, उसको बिछाने के बाद किसी प्लेन सर्फेस पे, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ करके। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ रिंकल्स दिख रहे होंगे। ये देखिए रिंकल्स गायब हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका अटैचमेंट भी चेंज करके दिखाती हूँ। ये मैं निकाल देती हूँ, स्विच ऑफ कर दिया मैंने पहले, एंड देन पीछे थोड़ा सा पुश किया, ये बाहर आ गया। अब इसके साथ करके देखते हैं। ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है करने में, क्योंकि क्या हो रहा था, इस ब्रश की वजह से जो ब्रश है कपड़े में फंस रहे थे। आई थिंक आपको अगर किसी मोटी चीज़ में लाइक कोट में, जीन्स में, इस टाइप किसी चीज़ में आयरन करना है, सॉरी स्टीम देना है, तो ये ब्रश वाला ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। बट इस तरह के पतले कपड़ों में, डेलिकेटेड कपड़ों में आपको इससे करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन है आगे से तो फंसेंगे नहीं आपके कपड़े। तो गाइज इस तरीके से ये स्टीम करता है कपड़ों को, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप ट्रैवल में से कहीं ले जाना चाहें तो बहुत ही लाइट वेट एंड पोर्टेबल है और इजी टू स्टीम है। आपको आपने देखा कि जस्ट आपको 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद स्टीम का ये बटन प्रेस करना है तो स्टीम करेगा आप कपड़ों को। ये जो डेलिकेटेड कपड़े होते हैं या कम रिंकल्स वाले कपड़े होते हैं उनके लिए तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स वाले कपड़े हैं या कुछ हैवी कपड़े हैं तो उस पर ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। उनके लिए वो जो नॉर्मल आयरन होता है वही बेस्ट है, बट हाँ ट्रैवलिंग के लिए एंड डेलिकेटेड कपड़ों को स्टीम करने के लिए आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट, एंड आई होप मैं अपने इस वीडियो से आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर पाई हूँ, और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको बता पाई हूँ। सो यस गाइज, अगर आपको यूजफुल लगा है ये वीडियो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जो भी नया वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज, सो यस बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। मैं अंजलि जल्दी मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।